press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda247. Bell icon dabaiye, Adda247 ki sari notifications paiye. Adda247, government job in your pocket. Hello and welcome to the Current Affairs show based on the Hindu, and I am Kush Pandey. Again, my apologies for the delay guys because certain legalities, but hum wapas aa gaye hain and shuru karte hain apni session. And bina kisi deri ke, let's dikha de aapko sabse pehle the morning quote of the day, and wo ye raha aapke samne. One small positive thought in the morning can change your whole day. To bhaiya acha socho, सबके बारे में अच्छा सोचो, दिन भी आपका अच्छा जाएगा. अब आपको दिखा दें सबसे पहले हमारे आज के पेज नंबर्स कौन कौन से हैं, और वो ये रहे आपके सामने. पेज वन वी हैव टू हेडलाइंस, देन वी हैव पेज नंबर टू, देन वी हैव पेज नंबर सेवन वी हैव टू हेडलाइंस, देन वी हैव थ्री हेडलाइंस ऑन पेज नंबर 11, देन वी हैव टू हेडलाइंस ऑन पेज नंबर 12, देन वी हैव थ्री फाइनेंशियल टर्म्स, देन वी हैव पेज 13, 14 एंड 15, एंड आज हमारे पास अदर हेडलाइंस में इंक्लूडिंग द इंडियन एक्सप्रेस वी हैव ओवरऑल 4 हेडलाइंस. तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी आज की पहली खबर, और वो ये रही आपके सामने. वेल, इसके बारे में आप सब जानते होंगे. स्टीवन स्मिथ एंड डेविड वॉर्नर अलॉन्ग विद कैमरन बैनक्रॉफ्ट, उन पर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, द क्रिकेट बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट हैज़ अप्लाइड अ ह्यूज बैन. Both these players cannot play for the coming year, and Cameron Bancroft has also been given a ban of 9 months. तो इसकी बात हम आपके सामने अब करने जाएंगे. तो स्क्रीन पर दिखा दें, स्मिथ वॉर्नर banned for a year, won't play in the Indian Premier League 2. The first paragraph again is very important. Former Australian skipper Steve Smith, senior batsman David Warner have been given banned from top level cricket for a year, and they will also not play in the Indian Premier League, जहाँ पर करीब उनको 2 million US dollars का नुकसान यहाँ पर होने वाला है. Now, apart from him, the opening batsman Cameron Bancroft has also been banned for the 9 months over the incident that happened in the Cape Town Test in South Africa. तो स्क्रीन पर आपके सामने आते हैं, तो बहुत ही मतलब it is a very harsh sort of a ban, and career khatam karne wala ye ban hai, and then this is something jis par ki abhi bhi baatcheet aapki ho sakti hai. To dikha de aapko isi ka the Hindu and static shots, jo ki ye raha aapke samne screen par. Steve Smith and David Warner, they have been slapped with a 1 year ban, pehli baat. Dusri baat, Cameron Bancroft jo hai unko bhi suspend kiya gaya hai 9 months ke liye. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन तीनों के पास 7 दिन हैं, इन 7 days दे कैन अपील अगेंस्ट द बैन टू द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया. पॉइंट नंबर 4, बट हैविंग सेड दिस, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे, बट दे विल कीप ऑन प्लेइंग द क्लब क्रिकेट, द काउंटी क्रिकेट और द डोमेस्टिक क्रिकेट. इसके अलावा दे हैव टू ऑल्सो अंडरटेक 100 hours ऑफ वॉलंटरी सर्विस इन कम्युनिटी क्रिकेट. तो उनको 100 घंटे का एक सोशल सर्विस भी करना है क्रिकेट में. और अब जो कैप्टन हैं फॉर द रिमेनिंग फाइनल टेस्ट, इट इज़ टिम पेन हु विल बी द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द 4th टेस्ट दैट विल बी प्लेड एट जोहानिसबर्ग इन साउथ अफ्रीका. तो यहाँ पर तीन ही चीज़ याद रखिएगा, पहले बात तो बैन, सेकेंड चीज़ किनको बैन मिला, थर्ड चीज़ वॉट इज़ द टाइम ऑफ द बैन, एंड देन हु इज़ द न्यू कैप्टन फॉर द अपकमिंग टेस्ट दैट इज़ टिम पेन. वापस स्क्रीन पे आते हैं गाइस. सो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट हेडलाइन एंड दिस वाज मेंशन ऑन पेज नंबर 1, एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर नेक्स्ट हेडलाइन, और वो ये रहा आपके सामने. वेल, अब बात करते हैं थोड़ी सीरियस, इससे पहले भी सीरियस बात थी पर ये थोड़ी इंडिया को लेकर सीरियस बात है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, उसने कहा है कि वो 76% ऑफ द शेयर्स को वो अब बेच देगा. इसकी बात हम आपके सामने अब करने जा रहे हैं, और स्क्रीन पर हम दिखा
देंगे आपको कि लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड बिड्स फॉर द 76% स्टेक सेल इन एयर इंडिया. लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन. दोस्तों समझिएगा, देर आर टू वर्ड्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट. बोथ दीज वर्ड्स आर प्रिटी सिमिलर. द बेसिस डेफिनेशन इज दैट व्हेन द गवर्नमेंट विल सेल वन ऑफ इट्स कंपनी शेयर्स टू द मार्केट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट. जब एक सरकार अपने कंपनी के एक हिस्से को बेचेगी मार्केट में, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं. इट कैन बी डाइवेस्टमेंट और इट कैन डिसइन्वेस्टमेंट. बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, पर यहां पर याद रखिएगा कि नाउ फॉर्मली आधिकारिक तौर पर कहा है एयर इंडिया ने, कहा है गवर्नमेंट ने कि वो जो 76% शेयर है एयर इंडिया में, उसको बेचने को राजी हो गया है. दे हैव इनवाइटेड द मार्केट प्लेयर्स कि भैया आप आओ और आके एयर इंडिया को खरीद के ले जाओ. अब यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट आर द मोडालिटीज, व्हाट आर द कंडीशंस दैट हैव बीन गिवन, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं जो कि ख्याल रखनी है. तो वापस आते हैं हम इस पेपर पे. अब देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर वो बेचेंगे 76%. इसके लिए दे आर इनवाइटिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एंड इसके लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम भी जारी किया. उस मेमोरेंडम का नाम है प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. इसके अंदर बेसिक जानकारी होती है गाइस. विल डिस्कस PIM एंड विल डिस्कस EOI इन आर फाइनेंशियल टर्म सेक्शन. तो अभी इस पर फोकस नहीं करेंगे बिकॉज इसको हम डिस्कस करेंगे आज ही अपने फाइनेंशियल टर्म्स के हिस्से में. सो बेसिकली दे हैव इशूड अ PMI दैट PIM दैट इज़ अ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. विल डिस्कस इट व्हेन द फाइनेंशियल टर्म्स विल कम, जिसमें कि दे आर इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं बिडर्स से कि वो आके जो 76% आपके शेयर हैं एयर इंडिया के, उसको खरीद के यहाँ पर ले जाएं. सो लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन. एंड अब आपको दिखा दें कि अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन द पेपर, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी पड़ेगी. एंड ये रहा आपके सामने The Hindu and the static shots. Now the government has issued a preliminary information memorandum, that is a PIM. उन्होंने साथ ही में इनवाइट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक प्राइमरी ऑफर होता है एक बिडर का. वो दिखाता है अपनी इच्छा कि येस ही इज़ विलिंग. एंड अगर उसने EOI भेजा, देन द सेकेंड प्रोसेस टेक्स प्लेस, जब वो लेटर ऑफ इंटेंट भेजता है, जहां पर वो और डिटेल में अपने जो बिडिंग है उसको देता है. सो अभी इस पर ज़्यादा बहस मत कीजिए बिकॉज वी विल डिस्कस दिस इन आर फाइनेंशियल टर्म सेक्टर. अच्छा, यहाँ पर दी जरा इसको मार्क भी कर देना. दी टोटल प्रोसेस, ये पूरा जो आपकी प्रक्रिया है, इसको एंड किया जाएगा दिसंबर 2018 तक. मतलब बाय दिस ईयर दिसंबर द टोटल प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड. दैट इज द कट ऑफ डेट एंड द कट ऑफ मंथ. नंबर 4 इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर एनी बिडर who has a net worth of 500 crore or more can only bid. मतलब ऐसी कंपनी, ऐसा इन्वेस्टमेंट फर्म जिसकी खुद की नेटवर्थ 5,000 crore से ज़्यादा है, वही यहाँ पर बिड करेगा. 500 नहीं है, 5,000 करोड़ है, वही बिड करेगा. एंड अर्न्स एंड यंग EY वो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन एडवाइज़र भी है. तो अगर पहले हम सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करें, सवाल बनेगा कि वॉट अमाउंट ऑफ स्टेक, कितना परसेंट शेयर बेचा जाएगा. द आंसर इज 76%. नंबर 1. नंबर 2, व्हाट इज द टारगेट ईयर, दैट इज दिसंबर 2018. नंबर 3, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए एक बिडर के लिए, दैट इज 5,000 crores. एंड EY जो है वो इसका ट्रांजैक्शन यहाँ पर एडवाइजर है. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शाहरुख खान जी ने हमें 20 रुपये भेजे हैं. थैंक यू सो मच शाहरुख खान जी इसके लिए. अच्छा, अब बात करते हैं हम एयर इंडिया की. नाउ जितेंद्र अग्रवाल भाई, मैं हिंदी में ही तो बात कर रहा हूँ, आपको कौन सी भाषा लग रही है. नाउ एयर इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946. द स्लोगन ऑफ एयर इंडिया इज एयर इंडिया ट्रूली इंडियन. इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं न्यू दिल्ली में. इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका नाम है प्रदीप खरोला. एंड जो एयरलाइन फाउंड हुई थी आपकी, दिस वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1932 बाय JRD टाटा. उस समय इसका नाम था टाटा एयरलाइंस. तो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. 3 अहम मुद्दे हैं, 76%, दिसंबर 2018 एंड नेटवर्थ शुड बी 5,000 करोड़. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. अब वापस स्क्रीन पे आते हैं. सो गाइज, वी हैव कवर्ड 2 हेडलाइंस. हमने पहले बात की स्टीवन स्मिथ के बारे में और डेविड वॉर्नर के बारे में. नाउ वी फोकस्ड ऑन द एयर इंडिया. अगर ये क्लियर है तो एक बार कमेंट्स में अपनी जो स्माइल है इसको दिखा दीजिए. यस सर, यस सर, यस सर, इट इज क्रिस्टल क्लियर.
बाकी थोड़ी मेरी तबीयत खराब भी है तो हो सकता है आपको लग रहा हो, बट लेट्स नाउ प्रोसीड टू आर नेक्स्ट इमेज एंड वो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज गाइज। चलिए फिर से करते हैं मैप प्रैक्टिस एंड इस मैप प्रैक्टिस में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा स्टेट है उस स्टेट का नाम आप सब जानते होंगे, उसका नाम है वन सेकेंड, दैट पर्टिकुलर स्टेट इज उत्तर प्रदेश, इट इज़ माई होम स्टेट एंड स्टेट की हम आपके सामने अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बिकॉज इन उत्तर प्रदेश, वापस ज़रा स्क्रीन पर आ जाएँ, इन उत्तर प्रदेश दे हैव पास्ड अ न्यू लॉ, अ न्यू क्रिमिनल बिल दैट इज़ यूपी कोका या फिर यूपी सीओसी बिल, जो कि सिमिलर है टू दी महाराष्ट्र सीओसी बिल, तो उसको वहाँ पर पास किया गया है एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट टाइप का बिल है और इससे दिक्कत बढ़ने वाली है अगर हल्का सा भी किसी ने इधर उधर किया, बिकॉज दिस पर्टिकुलर बिल हैज़ सेवरल कंडीशन जिससे कि दी क्रिमिनल ऑफेंस शुड बी अवॉइडेड या उसको कम किया जाएगा। तो अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की और ये रहा आपके सामने, उत्तर प्रदेश पासिस द स्ट्रिंजेंट क्राइम कंट्रोल बिल, उसने एक बहुत ही सख्त, बहुत ही एक स्ट्रिक्ट टाइप का क्राइम कंट्रोल बिल पास किया है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंजेंट नाम दोस्तों हैं दैट इज़ बेसिकली इट मीन्स स्ट्रिक्ट, सो यूपी हैज़ पास्ड अ वेरी स्ट्रिक्ट क्राइम कंट्रोल बिल। मैं आपके लिए ज़रा यहाँ पर तब तक जूम होगा तब तक मैं आपको वापस स्क्रीन पे आपको ले आता हूँ मैप पे, तो पहले एक बार ज़रा मैप देख लेना, वहाँ पर यूपी के जो नेबर्स है उसको देख लेना, तब तक हम इसको जूम कर देंगे। नेबर्स में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के, वी हैव एमपी, वी हैव राजस्थान, वी हैव बिहार, टू नेक्स्टेंड नेपाल भी इसका नेबर है, लखनऊ कैपिटल है यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको एक बार ज़रा गौर फरमाइएगा। चलिए तो अब हमने जूम कर दिया होगा, अब ये रहा आपके सामने, द उत्तर प्रदेश असेंबली हैज़ पास्ड अ स्ट्रिंजेंट बिल टू कर्ब ऑर्गेनाइज क्राइम एंड डील स्ट्रिक्टली विद दोज ट्राइंग टू फॉर्मेंट टेरर विद लेजिस्लेटिव काउंसिल गिविंग द नॉट फॉर द मेजर। तो जो विधानसभा है वहाँ की, दैट विधानसभा हैज़ गिवन एन अप्रूवल फॉर दी यूपी सीओसी बिल, यूपी सीओसी बिल के हिसाब को उन्होंने अमा हामी दी है, उस बिल का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम बिल यूपी सीओसी बी इसका फुल फॉर्म है, जो कि 2017 में इसको पारित, जो इसको लॉन्च किया गया था एंड अब इसको यहां पर पास कर दिया गया है। यहां स्क्रीन पे एक और चीज देख सकते हैं कि ये इट इज सिमिलर टू द महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट और MCCOCA, उसका ये एक बहुत ही क्लोज कजिन है एंड उसी को लेकर यहां पर किया गया है। तो एक बार स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर, द यूपी विधानसभा हैज पास्ड अ स्ट्रिक्ट लॉ टू मिनिमाइज द क्राइम, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम बिल इसका नाम है, इस नाम को कंठस्थ कर लीजिएगा, प्लीज़ मग इट अप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल गाइज, अंडरस्टैंड आई पेनस्टेकिंगली ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, पर अगर आपका सपोर्ट नहीं है तो मैं इस शो को नहीं कर पाऊंगा बिना आपके सपोर्ट के, सो आई एम डिस्कसिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश में भी और शुद्ध देसी हिंदी में भी। अच्छा, अगर बात करें इस बिल की, मैंने बता दिया पहले भी आपको कि ये सिमिलर है टू दी MCOCA बिल, जो कि महाराष्ट्र का एक एक्ट है, उस पर ये आपका आधारित है। अब बात करते हैं मेरे प्रदेश की, दैट इज द उत्तर प्रदेश, ना उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, द करंट CM इज योगी आदित्यनाथ हु इज एन MP फ्रॉम गोरखपुर, द करंट गवर्नर ऑफ सॉरी हु वाज माफ करिए हु वाज बेसिकली एन MP फ्रॉम गोरखपुर, अब तो गोरखपुर की सीट BJP से चली गई तो उस पर हम नहीं जाएंगे, गवर्नर हियर इज मिस्टर राम नाइक, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हैं वो हैं आपके 75 एंड इफ आई एम करेक्ट दीज आर द मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। अगर नेशनल पार्क्स की बात करें या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है, फिर नेशनल चंबल पार्क है, फिर पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महावीर स्वामी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब आपके नेशनल पार्क्स उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें, ये जो ऋषभ राज हैं वो कुछ और ही लिख रहे हैं तो उनको ज़रा देखा जाए, यहाँ पर एयरपोर्ट्स की बात करें, एयरपोर्ट्स में वी हैव चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट विच इज़ इन लखनऊ, देन वी हैव द लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट विच इज़ इन वाराणसी, एंड अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स हैं अगरिया, अहेगा एंड बाइगा, ये यहाँ पर आपकी तीन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। तो यहाँ याद रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट इज़ इन लखनऊ, द लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट इज़ इन वाराणसी एंड अगरिया, अहेगा एंड बाइगा, दीज आर ट्राइब्स जो कि यूपी में आपको यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ज़रा आगे चलें और आपको दिखाते हैं द रिमेनिंग हमारा स्टैटिक शॉर्ट्स और वो ये रहा आपके सामने, इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो गंगा है, राम गंगा है, यमुना है, गोमती है, घाघरा है, ये वहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।
अगर बांध की बात करें, इन टर्म्स ऑफ डैम की बात करें, तो उनके नाम है ओबरा जो रिहंद में है, राजघाट जो बेटवा में है, रिहंद डैम रिहंद रिवर पे है, चंद्रप्रभा जो है आपका अगेन वो चंद्रप्रभा रिवर पे है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है उसको जरा मार्क भी कर दें, दैट इज़ द रिहंद डैम जो कि रिहंद रिवर पे है, दैट इज़ अ वेरी फेमस डैम फ्रॉम यूपी एंड वो एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, स्पेशली इन SSC एंड रेलवेज। अगर हम पावर या थर्मल प्लांट्स की बात करें तो नरोरा पाप थर्मल प्लांट NTPC यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप हुआ है। फॉर एग्जांपल वी हैव NTPC सिंगरौली, ऊंचाहार, टांडा एंड दादरी, इन सब जगहों पर आपका जो नेशनल थर्मल पार्क ऑपरेशन है उसके यहाँ पर आपके सेंटर्स हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ताजमहल, काशी विश्वनाथ टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है वाराणसी का, देन वी हैव हनुमान सेतु जो लखनऊ में है, एंड देन वी हैव संकट मोचन मंदिर जो फिर से आपका बनारस में है। इन टर्म्स ऑफ ग्रीन पार्क की बात करें, ग्रीन पार्क एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल स्टेडियम है कानपुर में, सिमिलरली लखनऊ में भी एक स्टेडियम बना है, उसका नाम है कमला नेहरू स्टेडियम विच इज़ अगैन अ वेरी ग्रैंड स्टेडियम इन कंस्ट्रक्शन। देन वी हैव द फॉर्मूला वन सर्किट इन यूपी, दैट इज़ द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट दैट इज़ इन ग्रेटर नोएडा। In terms of folk dances, we have swang, we have charkula, we have rasleela, we have nautanki, we have ahir dance. तो ये आपके पांच important folk dances हैं। Similarly, classical dance की बात करें तो कथक हमारा classical dance है, हमारा मतलब यूपी का लखनऊ साइड, हम ही कहते हैं वहाँ पर, तुम नहीं कहते। In terms of nicknames, आगरा is known as the city of Taj, इलाहाबाद is known as the संगम city or the abode of God, कानपुर का नाम है leather city या फिर Manchester of the East, then we have Lucknow that is known as City of Nawabs, or mere ko hata do Constantinople of the East, or Banaras jo hai wo old city ke naam se yahan par jana jata hai. So guys, I have given you the most important 12 static points, aur agar pasand aaya to hi show ko like karna, nahi aaya to bilkul suggestion dena ki sir aur hum kya kar dein, bhaiya ab to jaan nikalni padegi aapke liye, par these are the 12 important static points from the state of Uttar Pradesh. Wapas screen pe aate hain. So guys, now we've covered 3 headlines and मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी headlines अब clear cut हो गई होंगी, every headline is now crystal clear to everyone जो कि यहाँ पर हमारा show देख रहा है। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट इमेज गाइज। वेल, देर इज़ अ न्यू अपॉइंटमेंट, एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, एंड दैट अपॉइंटमेंट गाइज हैज़ टेकन प्लेस इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उस मंत्रालय में आपका एक नया डेवलपमेंट हुआ है, उसकी बात हम आपके सामने अब करने जा रहे हैं, और ये आपका है पेज नंबर 7 पर। डॉक्टर प्रोमिला गुप्ता is the new director general of health services and she is basically the officer in charge of this department, that is the DGHS. Let's come back. Well guys, the PDF as promised will be delivered to you on your Telegram channel once the show is over. तो एक बार जरा Telegram का link भी दे दें तो अच्छा रहेगा, उस link पर जाकर हम इसको deliver कर देंगे, तो बिल्कुल भी आप कतई भी परेशान मत होइएगा। So चलिए अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अब next headline. वन सेकेंड, चलिए तो अब दिखाते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन, और ये रही आपके सामने नेक्स्ट। डॉक्टर प्रोमिला गुप्ता इज़ द न्यू DGHS, ये नई बनी है DGHS आपकी, एंड इसकी बात हम आपके सामने अब करने जा रहे हैं। ये जो हेडलाइन है ये मैंशनड है आपकी पेज नंबर, दिस इज मैंशनड ऑन पेज नंबर 7, ये मेंशन वहां पर है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, दिस इज द हेडलाइन, वन सेकेंड। ओके, और ये हेडलाइन नहीं, डॉक्टर प्रोमिला गुप्ता इज सेट टू टेक ओवर एज द न्यू एज द डायरेक्टर ऑफ द जनरल हेल्थ सर्विसेज, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने रिप्लेस किया है डॉक्टर बी अठानी को, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल के लिए देख भी सकते हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने अब स्क्रीन पर, दिखा दें स्क्रीन पर। ओके, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर प्रोमिला गुप्ता विल टेक ओवर एज द DGHS ऑफिसर इन चार्ज इन द हेल्थ मिनिस्ट्री फ्रॉम अप्रैल 2।
She will succeed Dr. B.D. Athani, currently in charge of the DGHS office. उसकी ये इंचार्ज बनी है, नंबर वन. एंड नंबर टू, यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने सक्सीड किया है डॉक्टर बी डी अथानी को, जो कि करंटली इंचार्ज है. नंबर थ्री, अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, तो इसका स्टार्टिंग हुआ है 1976 में. जो करंट मिनिस्टर हैं उनका नाम है जेपी नड्डा. एंड जो एमओएस हेल्थ यहाँ पर हैं वो हैं अश्विनी कुमार चौबे, अनुप्रिया पटेल. और जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो वो इस समय है जेपी नड्डा, जिनका जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हिमाचल प्रदेश. एंड वो एक कैबिनेट रैंक के अधिकारी भी हैं, कैबिनेट रैंक के वो मिनिस्टर भी हैं. देखिए, तीन मिनिस्ट्रीज होती हैं, कैबिनेट, देन वी हैव द नॉन मिनिस्टर्स, एंड देन वी हैव द एमओएस. तो ये कैबिनेट रैंक के यहाँ पर मंत्री हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट हेडलाइन पर, और वो ये रही आपके सामने, दिखा दे स्क्रीन पर द इमेज. यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल एक बार मुझे बता दीजिए. अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली चर्चा पे. ये स्क्रीन पे आपके सामने एक इमेज है दोस्तों, एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इसको लेकर देयर वॉज अ डिबेट कि कैसे इसको और सही किया जाए, तो इसको लेकर हम अब आपके सामने यहाँ पर बात करने जा रहे हैं. और ये जो हेडलाइन दोस्तों है, ये मैंशन है पेज नंबर 7 पर. इसकी बात हम आपके सामने अब करेंगे, वन सेकेंड. एंड ये दिखा दे स्क्रीन पर ये हेडलाइन, कमिंग ह्यूज स्टार्स टू पब्लिसाइज राइट टाइम, दैट इज आर हेडलाइन. इसकी बात हम आपके सामने अब करने जाएंगे दोस्तों, और ये रही आपके सामने. टू टावर्स अबाउट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार आर लाइकली टू बी इरेक्टेड एज येट अनडिसाइडेड लोकेशन इन द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग बेटर एक्यूरेसी ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो टावर बनाए जाएंगे, जो कि बनाए जाएंगे देश के अलग अलग एरियाज में. और उन टावर्स का मेन मकसद होगा कि कैसे हम जो IST हमारा है, दैट इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसको हम और यहाँ पर बेहतर कर पाएँ. उसके लिए यहाँ पर फ़िलहाल काम किया जाएगा, तो उसकी बात हम आपके सामने अब फ़िलहाल करने जा रहे हैं. तो चलिए आपको दिखा दें इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉट, जहाँ पर कि मैंने इसके बारे में कुछ आपसे बातचीत की है. देखिए, दो टावर्स होंगे जो तीन गुना हाइट के होंगे हमारी जो कुतुब मीनार है उसके, नंबर वन. एंड नंबर टू, अगर बात करें तो यहाँ पर इसको बनाया जाएगा बाय द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा, दैट इज़ द मेन बॉडी जो कि यहाँ पर इस काम को देखने वाली है, नंबर वन. एंड नंबर टू, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि इसका जो मेन मकसद वो है कि कैसे वो बेहतर तरीके से कैलकुलेट करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया भी हुआ है. अच्छा, यहाँ पर बात समझिएगा ध्यान से कि फॉर द प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ द IST, द NPL, दैट इज़ द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, वो टाइप करेगी, उसने टाइप किया है विद IFR. नाउ IFR हियर मीन्स द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सर्विस, दैट इज़ द IFR लिमिटेड, उसके साथ उन्होंने टाइप किया है, और जिससे कि वो जो डिफरेंट टावर्स हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा. दो जो टावर्स हैं उनको डेवलप यहाँ पर किया जाएगा. अब अगर इन टावर्स की बात करें तो इनका जो एक मेथड है, दैट मेथड गाइस इज द लॉन्ग वेव रेडियो टेक्नोलॉजी मेथड, वो इनका बेसिकली एक मेथड है. और जो रेंज रिक्वायर्ड है इसके लिए वो है 1000 किलोमीटर्स, एंड इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आपका होगा 600 करोड़. तो दोस्तों यहाँ पर बात समझिएगा बड़े ध्यान से, एंड आई होप आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि आपके दो टावर्स बनेंगे, नंबर वन. नंबर टू, उनका हाइट तीन गुना होगा कुतुब मीनार की हाइट का. नंबर थ्री, कैलकुलेट किया जाएगा द IST. नंबर फोर, द मेन एजेंसी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टावर इज़ द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी. एक सवाल आ रहा है कि सर ये कहाँ पर बनेगी, तो मैं आपको बता दूं, इनका कोई भी स्थान नहीं है अभी, इसका डिसाइडेड नहीं किया गया है कि यहाँ ये कहाँ पर कैसे बनने वाली हैं. अच्छा, यहाँ पर बात समझिएगा कि दे विल एम्प्लॉय लॉन्ग वेव रेडियो टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करेंगे. उसमें मत ज़्यादा घुसिएगा, सिर्फ याद रखिएगा कि लॉन्ग वेव रेडियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी. अगर इसकी रेंज की बात करें, इसका रेंज है आपका 1000 किलोमीटर्स, और जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो आपका 600 करोड़ रुपए का होगा. अगर हम NPL की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट है आपका 1947, इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके न्यू दिल्ली में, और AK असवाल जो हैं वो इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं या डायरेक्टर जनरल हैं. अगर हम पेरेंट बॉडी की बात करें तो इस पेरेंट बॉडी का नाम है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इसकी एक फिलहाल पेरेंट बॉडी है. तो अगर ये क्लियर हो गया है तो
एक बार डाल दीजिए कमेंट्स में, येस सर इट इज़ क्लियर, और अगर पसंद आया तो आप शो को लगातार लाइक भी कर सकते हैं। तब तक मैं आपसे रिपीट कर दूंगा गाइस कि ये बड़ी खबर है एंड इस पर RC भी बन सकता है, तो उसके लिए भी इस चीज़ को बिल्कुल आप तल्लीनता से पढ़ लीजिएगा। बाकी श्रेया बसाक मैं इसको डिस्कस कर दूंगा आगे, पर इसका टेलीग्राम पर आपको PDF इस शो के बाद मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि CSIR इसकी पेरेंट बॉडी है। चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं, लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन, एंड अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने, एंड दिस इज द इमेज गाइस। वेल, आधार कार्ड की बात करेंगे, हम बात करेंगे आधार कार्ड और डिफरेंट पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स की, क्योंकि सरकार का कहना है कि उनका जो एक लिंकेज का डेट है उसको बढ़ा दो। दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज और इम्प्रूव द लिंकेज डेट ऑफ द आधार एंड द पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, तो उसकी बात हम आपके सामने अब करने जाएंगे। और ये जो खबर दोस्तों है, ये पेज नंबर 11 पे है, और ये रही आपके सामने वो खबर June 30। तो कल आपने देखा था कि 30 जून डेट हो गई थी आपकी फॉर दी अदर कनेक्शंस, फॉर द लिंकेज ऑफ पैन एंड आधार, और अब जो 30 जून डेट है वो आपकी डेट हो गई है फॉर द लिंकेज ऑफ आधार विथ द पब्लिक वेलफेयर स्कीम, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑन वेंसडे हैज़ एक्सटेंडेड 3 months द डेडलाइन फॉर द लिंकिंग ऑफ आधार विद द वेलफेयर स्कीम्स इन विच बेनिफिट्स आर ट्रांसफर टू सिटीजन्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो स्क्रीन पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि आधार कार्ड की अगर बात करें तो इसका जो डेट था वो डेट अब आपका एक्सटेंड हो गया, एंड दिस पर्टिकुलर डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 3 महीना। 3 महीने से ये आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है। पहली डेट आपकी थी 31, पहली डेट आपकी पहले थी, अब जो डेट आपकी हो गई है दैट इज एट June 30। वापस स्क्रीन पे आते हैं, एक सवाल बनेगा कि सर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, वाई द डेट इज बीइंग एक्सटेंडेड। द रीज़न वाई द डेट इज बीइंग एक्सटेंडेड इज बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल नॉट श्योर कि कैसे हम इस डेट कैसे हम आधार को एक सिक्योर्ड और एक बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल डॉक्यूमेंट बनाएं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट PIL जो डिफरेंट आपकी लिटिगेशंस हुई हैं उनका कहना भी है कि आधार इज बेसिकली वायोलेटिंग द राइट टू प्रिवेसी, जो एक हमारा एक अधिकार है हमारी प्रिवेसी का, उसका उल्लंघन करता है आधार कार्ड, ऐसा कहना है बाई डिफरेंट PILs। तो उस चक्कर में ये डेट आपकी बढ़ रही है, नंबर वन। एंड नंबर टू भाई, पब्लिक वेलफेयर स्कीम बहुत ज्यादा है, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स आर मल्टीपल एंड मैनीफोल्ड, तो सबको लिंक करना भी उतना आसान नहीं है, इस वजह से इसको किया गया है। तो एक बार स्क्रीन पर हम आपको दिखा दें द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हेडलाइन, वो ये रही आपके सामने। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड बाय 3 months द डेट टू लिंक द आधार विथ द वेलफेयर स्कीम्स टू June 30। अर्लियर डेट थी आपकी March 31। इट ऑल्सो मीन्स दैट गवर्नमेंट सब्सिडीज जो होंगी आपकी, उनको आपको अब आपको लिंक कराना है बाय June 30। पहले आपको था कि April 1 से सारा लिंक हो जाएगा, पर बेसिकली अब ये आपका लिंक नहीं होगा, अब 30 जून तक आप आराम से लिंक करा सकते हैं। यहाँ पर ज़रा मार्क कर देना लास्ट पॉइंट को, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चलिए दो चीज़ क्लियर है। पहला कि द पैन कार्ड एंड द आधार, those two things will be linked by June 30। Similarly, जो welfare schemes हैं उनको भी हम 30 जून तक लिंक करेंगे, but for mobile phones, for bank accounts, अभी तक कोई डेट भी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, उसका एक्सटेंशन इनडेफिनिट हो गया है, मतलब कब तक करना है अभी उसकी बारे में यहाँ पर बात नहीं कही गई है, जो कि आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख भी रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो UIDAI द यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जिसके जो हेड है, इनका नाम है अजय भूषण पांडे, बेसिकली उन्होंने कहा था कि आधार जो है वो आपका सिक्योर्ड है, पर यहां पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सिक्योर तो कहा था पर उसको लेकर अभी भी डिस्कशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चलिए तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको दिखाते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने, एंड दिस इज द इमेज गाइस। ओके, इस इमेज की हम आपके सामने अब बात करने जा रहे हैं। अब ये जो इमेज दोस्तों है, ये इमेज फोकस करती है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उस पर, बिकॉज चाइना जो है उसने अब फिर से अच्छा काम किया है, फिर से नहीं कहूँगा, उसने बहुत दिनों बाद अच्छा काम किया है। इट हैज़ नाउ अलाउड
It has now allowed or it has now it will now provide India with the river sharing data of Brahmaputra and the Satluj rivers. तो उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे और आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं इमेज जहाँ पर कि ब्रह्मपुत्र का जो एक टोटल एरिया है उसको कवर किया गया है, चाहे वो चाइना में आती हो, चाहे वो इंडिया में आती हो, चाहे वो आपका उसका क्या क्या नाम है उसको भी एक बार देख लीजिएगा. तो नाउ दी चाइनीज गवर्नमेंट दे हैव अप्रूव्ड कि वो डेटा शेयर करेंगे रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र एंड द सतलज रिवर. और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर और वो देख सकते हैं. बीजिंग हैज़ रीस्टार्टेड रिवर डेटा शेयरिंग. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. चाइना ऑन अ वेंसडे हैज़ प्लेज टू कंटिन्यू शेयरिंग डेटा ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सतलज रिवर्स मार्किंग अनदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप पोस्ट डोकलाम. तो स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि चाइना ने फिर से प्लेज किया है कि वो डेटा शेयरिंग शुरू करेगा ब्रह्मपुत्र रिवर की और साथ ही साथ सतलज रिवर्स की, जिससे कि जो एक बेटर एक अरेंजमेंट होगा ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फ्लड के समय. ये जानकारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है. तो स्क्रीन पर दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स. तब तक मेरे को कमेंट्स में आप बताएंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इन चाइना, चाइना में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है. ये दो सवाल आपको यहाँ पर बताने हैं. मुझे एक का तो आंसर मिल गया कि सैंगपो इज़ द नेम इन चाइना, बट व्हाट इज़ द नेम इन बांग्लादेश. चल तब तक बात करते हैं इस हेडलाइन की. चाइना ने कहा है कि वो कंटिन्यू करेगा रिवर वाटर डेटा शेयरिंग फॉर द ब्रह्मपुत्र एंड ऑल्सो फॉर द सतलज रिवर्स. यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इसको ज़रा मार्क भी कर देना कि दो दिवसीय बातचीत हुई थी. देर वॉज अ टू डे सम्मेलन, अ टू डे टॉक दैट टू प्लेस इन दी दैट टू प्लेस इन इन हुआंगझू, इन हांगझू जो कि एक चाइना का जगह है, वहाँ पर ये आपका हुआ. और बेसिकली ये 11th मीटिंग थी ऑफ द इंडिया चाइना एक्सपर्ट लेवल कमिटी, उसकी ये बेसिकली मीटिंग थी. और जहाँ पर दे डिस्कस्ड ऑन द डिफरेंट रिवर्स जो कि ट्रांस बॉर्डर हैं, जो कि आपकी अलग अलग जो कि दो देशों में आपकी रहती हैं, फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, तो उसको लेकर इन्होंने यहाँ पर बातचीत की. तो याद रखिएगा कि दिस डिस्कशन टू प्लेस एट द 11th मीटिंग एट द इंडिया चाइना एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म कमिटी, एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म मीट जो कि था फॉर ट्रांस बॉर्डर रिवर्स. एंड जो ये जो ELM है जो कि होता है आपका हर साल, ये आपका एस्टैब्लिश हुआ है 2006 में. नाउ डोकलाम की वजह से ये कुछ समय से नहीं हो रहा था, पर अब ये फिर से आपका यहाँ पर हो गया है. अच्छा, अगर हम बात करें तो चाइना प्रोवाइड करती इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर जिसका एक नाम है यारलोंग जांगबो, ये भी उसका एक चाइना में नाम है जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. और सतलज रिवर का नाम है चाइना में लांगकैन जांगबो, उसको लेकर भी ये बातचीत करेंगे. तो एक नाम और याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र का, वो नाम है आपका द यारलोंग जांगबो. अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की तो द कंट्री जहाँ पर कि आपका ये रिवर है, द कंट्री नेम आर चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश. द सोर्स जो इसका सोर्स है जहां से ये बन के तैयार होती है वो है द भागीरथ ग्लेशियर जो कि इंडिया में. ऑफकोर्स अगर हम सिटीज की बात करें कि इंडिया में कौन से शहर से गुजरती है तो वो है गुवाहाटी, दिब्रूगढ़ एंड तेजपुर. और इसका जो लेंथ है दोस्तों, द लेंथ इज एट 3848 किलोमीटर्स. ये बेसिकली इसका एक लेंथ, दैट इज 3848 किलोमीटर जो कि इसका टोटल एक लेंथ है. एंड अगर मैं सही हूं तो दिस इज द ओनली मेल नेम रिवर इन इंडिया, मतलब एक ऐसी रिवर है जिसका नाम एक मेल नेम पर है, एक पुरुष के नाम पर है, बाकी सब रिवर्स के नाम तो आपके महिलाओं के नाम पे हैं. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. वापस स्क्रीन पे आते हैं. सो गाइज, मैंने आपको दिखा दिया पूरा हेडलाइन. अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट से पूछिएगा, पर अभी अगर डाउट नहीं है तो लाइक ज़रूर करना शो को. चलिए अब ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने द वेरी नेक्स्ट इमेज गाइज, एंड दिस इज़ द इमेज. वेल, बात करने जा रहे हैं अब हम इंडस कमीशन की, जो इंडस आपका कमीशन है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी, क्योंकि बहुत समय बाद जो भारतीय सरकार है और जो आपकी सरकार है और जो सरकार है आपकी पाकिस्तान की, उन लोगों ने अलाउ किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर बातचीत की जाए. सो द कमिश्नर्स ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी दे विल मीट इन न्यू दिल्ली. तो ये हेडलाइन की हम बात अब आपके सामने यहाँ पर करने जा रहे हैं. और चलिए दिखा देते हैं आपको ये हमारी इमेज, और वो ये रही आपके सामने. ओके, एंड ये रही आपके सामने द हेडलाइन. इंडस कमीशन विल स्टार्ट टॉक्स टुडे, जो कि स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं.
India-Pakistan will go ahead with talks on the Indus Water Treaty on Thursday, despite an upsurge in the tensions over the LOC crossfire and allegations of harassment of diplomats in New Delhi. तो फिर से आपका शुरू हो रहा है जो Indus Water Commission की बातचीत, जहां पर दोस्तों देखिएगा कि जो भारत के Indus Water Treaty Commissioner हैं पीके सक्सेना और जो पाकिस्तान के हैं सेम कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह, उनकी मुलाकात होगी और ये बातचीत करेंगे ऑन द इंडस वाटर एंड द डिफरेंट वाटर शेयरिंग, जो कि जिसमें इंडस भी है, रावी भी है, ब्यास भी है, तो उन सब की बात यहाँ पर की जाएगी। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये बातचीत आपकी शुरू हो रही है एंड विल टेक प्लेस इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। तो अब आपको ले चलें हमारे हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स पे, जहाँ पर कि हम आपको दिखाएंगे ना सिर्फ इसका करंट इन्फॉर्मेशन, बल्कि हम आपको दिखाएंगे द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंडस Water Treaty. The 114th meeting of the Permanent Indus Commission, that is the PIC, that will take place in India, भारत में, New Delhi में आपका होगा, जो कि आज और कल आपका हो रहा है। और इसमें जो इंडस वो कमिश्नर इंडिया के हैं पीके सक्सेना, वो भी होंगे, और जो पाकिस्तान के आपके कमिश्नर हैं सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह, वो भी यहाँ पर बातचीत में शामिल होंगे। जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी इस्लामाबाद में इन मार्च 2017, तब से लेकर अब तक कई दिक्कतों की वजह से ये मीटिंग आपकी नहीं हो पाई। नाउ ऑन द वेरी सेम हेडलाइन, द मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज मिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तराखंड में वो तीन डैम्स इन रिवर्स पर बनाएंगे। सो ये भी एक डेवलपमेंट हुआ है इसी सेम खबर के अंदर कि दे विल कंस्ट्रक्ट थ्री न्यू डैम्स इन उत्तराखंड एज पर द मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज, इनका नाम है आपका नितिन गडकरी। अब एक बार स्क्रीन पर दिखा दें हमारी नेक्स्ट इमेज, जहाँ पर कि मैं आपको बताऊँगा डिटेल में, बहुत ही मसरूफियत में, बहुत ही व्याख्या करके कि बेसिकली आपका इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। नाउ बेसिकली ज़रा मार्क करते जाना, 56 साल पुरानी ये आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है, 56 ईयर ओल्ड है, मतलब 1960 में आपका ये साइन हुआ था। और डेट भी याद करना जो कि है सितंबर 1960, ये तारीख में आपका ये ट्रीटी हुआ था और सिग्नेचर्स यहाँ पर हुए थे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू उनके, और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान उनके द्वारा। और यहाँ पर जो ब्रोकर आपका था, द ब्रोकरेज और द मेन बॉडी दैट सपोर्टेड दिस थिंग एंड जिसने दोनों को मिलाया, वो बॉडी का नाम था वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ तो आपको याद रखनी है, सबसे पहले कि सितंबर 1969 दैट इज दी साइन दैट इज द सिग्नेटरी डेट ऑफ दिस ट्रीटी, नंबर वन। नंबर टू, साइन किया था नेहरू साहब ने और पाकिस्तान के अयूब खान साहब ने, और जो ब्रोकरेज हुआ था वो हुआ था बाय द वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर देखिए मैप भी मैंने दिया हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवर्स कौन कौन सी हैं, चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये रिवर्स क्रूशल हैं। और आप मैप में देख सकते हैं कि पंजाब और पाकिस्तान का बहुत ही क्लोज रिश्ता यहाँ पर है, जहाँ पर पंजाब को बांट दिया गया आफ्टर पार्टीशन, जो कि अलग चीज़ है, वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ होगी, पर फिर भी वो रिवर्स आपकी पंजाब की थी, बट नाउ दे हैव बीन डिवाइडेड अमंग पाकिस्तान एंड पंजाब। जरा नीचे फीचर्स में बात करेंगे तो यहाँ पर प्लीज़ याद रखिएगा कि इंडिया के अंडर जो आती हैं रिवर्स, उनके नाम हैं ब्यास, रावी एंड सतलज, दैट आर द रिवर्स दैट आर गवर्नड बाय इंडिया। और पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ है इंडस, चेनाब एंड झेलम। तो तीन तीन रिवर्स हैं, बिल्कुल सही, इंडिया का तीन और पाकिस्तान का तीन। सिमिलरली इंडिया को अलाउ है 20% ऑफ इंडस वाटर इरिगेशन के लिए, बाकी वाटर का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। और परमानेंट बॉडी का नाम है द परमानेंट इंडस कमीशन, जो कि PIC है। और रिवर जो इंडस से शुरू होती है आपकी चाइना में, पर वो इस पार्ट पर चाइना इस ट्रीटी का पार्ट आपका नहीं है। वापस स्क्रीन पे दोस्तों आते हैं। गाइस आई होप इस शो के बाद जब आपको PDF मिलेगा तो आप बिल्कुल जाकर स्टडी करेंगे इस मैप को। ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है SSC UPSC और रेलवेज के लिए, बल्कि बैंक में भी अब आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं ऑन स्टैटिक GK। तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा उस मैप के ज़रिए, याद रखिएगा कि बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। मैंने बहुत ही ब्रीफ में कोशिश की बताने को कि बेसिकली व्हाट इज द इंडस वाटर ट्रीटी। अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल दाद दीजिएगा, वाह सर वाह, और आप शो को लाइक भी कर सकते हैं साथ ही साथ। चलिए अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने द नेक्स्ट इमेज। जो नेक्स्ट इमेज हम आपके सामने दिखा रहे हैं दोस्तों, दिस इमेज इज बेसिकली फॉलोइंग दी लेबर डे इन श्रीलंका। और ये जो खबर है ये मेंशन है पेज नंबर 12 पर हमारे अखबार में। एंड लेट्स कम टू पेज नंबर 12 गाइस। एंड जो आपका मे डे था, दैट वॉज द इंटरनेशनल वर्कर्स डे,
जो कि सेलिब्रेट होता है आपका इन श्रीलंका, उसको अब शिफ्ट किया गया है टू 7th मई, उस दिन आपका ये शिफ्ट किया गया है। तो स्क्रीन पर आपको दिखा दें हेडलाइन और वो ये रही आपके सामने, द श्रीलंकन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन इंटरनेशनल वर्कर्स डे इवेंट फ्रॉम May 1 टू May 7 दिस ईयर टू अवॉइड एनी ओवरलैप विद द बुद्धिस्ट फेस्टिवल ऑफ वैसाख। जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल वैसाख का है उसके साथ कोई इशू ना बने, उसके लिए यहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया है टू May 7, जो कि स्क्रीन पर आप फिलहाल देख भी पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने देखिए अनाउंस भी किया है कैबिनेट डिसीजन, जहाँ पर कि उसने कहा है कि विसाख जो कि एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बुद्धिस्ट का, उसको वो उसके लिए वो शिफ्ट कर देंगे इंटरनेशनल वर्कर्स डे को टू 7th मई। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो विसाख डे है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती और विसाख डे, बेसिकली इस दिन आपका बर्थ, एनलाइटमेंट और डेथ ऑफ बुद्धा है, उस दिन इन तीनों चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। सो द बुद्धिस्ट और द बुद्धिज्म सेलिब्रेट्स द बर्थ, द एनलाइटमेंट एंड द डेथ ऑफ द बुद्धा एंड दैट इज सेलिब्रेटेड नाउ ऑन May 1, एंड वो आपका विसाख डे होगा May 1 को। May 7 को आपका होगा द इंटरनेशनल वर्कर्स डे, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते भी हैं। अब आपको दिखा दें इसी का द हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। साउंड तो वापस है, क्यों कह रहे हो भाई साउंड कौन मनीष पुद्दार, साउंड तो आ रही है भाई। The Sri Lankan government has decided to postpone International Workers' Day events from May 1 to May 7 this year to avoid any overlap with the Buddhist festival of Vesak, जो कि इसका नाम है आपका बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, वैसाख डे को मनाया जाता है उनके जन्म, उनके एनलाइटमेंट और उनकी डेथ के अवसर पर। यहाँ पर अगर बात करें तो एज पर सिन्हली कैलेंडर द विसाख वीक फॉल्स जनरली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मे, पर इस बार वो अप्रैल 29 और 30 को आपका वो पड़ रहा है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दूँ दोस्तों कि विसाख डे की वजह से ऐसा यहाँ पर किया गया है। नयन किशरे, थैंक यू सो मच फॉर द 40 रुपीज़ डोनेशन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट इमेज पर, और वो ये रही आपके सामने एंड दिस इज़ द नेक्स्ट इमेज गाइज। बात करते हैं अब हम म्यांमार की, क्योंकि म्यांमार में अब बने हैं नए राष्ट्रपति। तीन क्या ने रिज़ाइन किया था बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इशूज़, और अब बने हैं बहुत ही क्लोज अलाए हैं, बहुत ही क्लोज एसोसिएट हैं आंग सान सू की के, एंड इसी वजह से वो बने हैं। वापस एक बार स्क्रीन पर जरा आना और इस बात को समझिएगा ध्यान से कि आंग सान सू की कैन नॉट एवर बी द प्रेजिडेंट, वो कभी भी प्रेजिडेंट नहीं बन सकती हैं बिकॉज जो नेशनैलिटी है उसको लेकर सवाल है, शायद उनका जो मैरिज है या फिर जो उनके बच्चे हैं, ऐसा कुछ एक इशू है जिस वजह से शी कैन नॉट बी द प्रेजिडेंट। तो वही हाल है, और मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर सोनिया गांधी का जो एक इशू था, सोनिया गांधी जी का जो इशू था कि वो विदेशी मूल की हैं और भारतीय नागरिक ज़रूर हैं पर वो शी वॉज बॉर्न आउटसाइड द कंट्री, तो उस वजह से यहाँ पर भी आंग सान सू की जो है वो भी राष्ट्रपति नहीं बन सकती, इसीलिए जो उनके दोस्त वोस्त हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं, वो यहाँ पर राष्ट्रपति बन रहे हैं। एंड ये रहा आपके सामने सू की एलाय पिक्ड एज म्यांमार्स प्रेसिडेंट। म्यांमार्स पार्लियामेंट ऑन वेंसडे हैज़ पिक्ड विन मिंट, अ क्लोज एलाय ऑफ आंग सान सू की एज द न्यू प्रेसिडेंट, मूव अनलाइकली टू अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पावर एज ही इज़ अ वेरी क्लोज एलाय ऑफ आंग सान सू की। तो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दें इसी का हेडलाइन और वो ये रहा आपके सामने, म्यांमार्स पार्लियामेंट ऑन वेंसडे पिक्ड अ क्लोज अलाय ऑफ लीडर आंग सान सू की एज द कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट, एंड विन मिंट को बनाया गया है प्रेसिडेंट, एंड दोनों ही सदन जो हैं पार्लियामेंट की उन्होंने इनको अप्रूव किया, एंड इस वजह से ये वहाँ पर आपकी अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का कैपिटल है नाइपीदा और जो करेंसी है वो आपका क्यात है, जो कि स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट हेडलाइन, तब तक ख्वाजा हुसैन जी ने 20 रुपये दिए हैं, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं अब हम फाइनेंशियल टर्म्स की। ओके, लेट्स फोकस ऑन द फाइनेंशियल टर्म्स वन सेकंड, एंड ये जो टर्म्स आपके मेंशन हैं उसको दिखा दें स्क्रीन पर, और ये रहे आपके टर्म्स गाइस। ये तीन टर्म्स हैं आज हमारे और इनकी बातचीत हम आज क्या कर पाएंगे, मुश्किल लगेगा मुझे, तो ज़रा वापस एक बार स्क्रीन पर आ जाएँ। तो दोस्तों अभी हम इसी शो को यहाँ एंड करते हैं, एंड इसका जो पार्ट टू है उसको हम आज ही अपलोड कर देंगे जैसे हमें टाइम मिलेगा, एंड थैंक आई अगेन अपोलोजाइज फॉर द डिले गाइस। एंड आ जाने से पहले एक बार इसको देख लीजिए बिकॉज़ आज शाम 6 बजे से
और कल 30 मार्च रात 12 बजे तक जो मेगा सुप्रीम है वो उसको ऑलरेडी वो लॉन्च हो जाएगा, जहां पर आपके फीडबैक पर हमने इसको डिवाइड किया है 3 हिस्सों में। वी हैव द बैंक सुप्रीम, SSC सुप्रीम एंड द मेगा सुप्रीम। यहाँ पर दोस्तों समझिएगा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ना सिर्फ इसमें आपको मिलेगा वीडियो कोर्सेज, बल्कि इसमें आपको मिलेंगे 60+ ई बुक्स, 100+ ई बुक्स इन बैंक, 60+ ई बुक्स इन SSC, 300 मॉक टेस्ट इन बैंक, 430 मॉक टेस्ट इन SSC, एंड अगर ओवरऑल लेंगे तो उसमें आपको 160 ई बुक्स मिलेंगी, साथ में साथ 730 प्लस मॉक टेस्ट और 1000+ आज मिलेगा। तो गाइज मैं फिर से रिपीट कर दूं आप सबके लिए, अच्छा मौका है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप बिल्कुल देख सकते हैं जहाँ पर की स्क्रीन पर है। तो आज शाम 6 बजे से आपका ये स्टार्ट हो रहा है, तो जिनको भी चाहिए वो बिल्कुल परचेज कर सकता है पुराने सुप्रीम में। और इस सुप्रीम में अंतर ये है कि इन द प्रीवियस सुप्रीम वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट नहीं थी और ई बुक्स नहीं थे, यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट और ई बुक्स सब दिया गया है एंड डिफरेंट किया गया है बिटवीन दी बैंक सुप्रीम, SSC सुप्रीम एंड द मेगा सुप्रीम, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अनमोल सिंगल मैं पार्ट टू अपलोड करता हूँ और आज भी अपलोड करूँगा, तो चलिए वापस स्क्रीन पर आ जाएँ। सो गाइज बाय टू आई विल श्योरली अपलोड द कंटेंट, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं वो कंटेंट आपके सामने अपलोड कर दूंगा। पर जिनको जो भी इंटरेस्टेड हैं वो store.adda247.com पर जाकर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये कोर्स आपका आज शाम 6 बजे से कल रात 12 बजे तक होगा, कोई मेरे को गाली नहीं देगा बिकॉज ये आपकी डिमांड पर ही किया गया है। तो भाई लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके लिए एक बेहतर और अच्छा मौका है और मेरे को अच्छी तारीफ ही मिल रही है, तो अच्छी बात है कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी बेटर होती है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विथ मी। फिर से ज़रा उसको दिखा दें उस बैनर को, और उसी बैनर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम इसका पार्ट टू आज अपलोड कर देंगे मेरे भाई, परेशान बिल्कुल भी आप मत होइएगा, एंड इसका PDF भी हम आज प्रोवाइड आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विथ मी, एंड अब वापस चलते हैं एंड दिखा दें हमारी लास्ट इमेज, और वो ये रही आपके सामने जो लास्ट इमेज थी। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग विथ मी एंड विल बी बैक अगेन विद द पार्ट टू ऑफ दिस शो, उसका प्लीज वेट करिएगा, आज उसको हम अपलोड कर देंगे। बाय एंड पीस आउट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम Adda247। बेल आइकन दबाइए Adda247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। Adda247, government job in your pocket.